दिल्ली का बजट आने वाला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में दिल्ली का बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि बजट में बिजली पानी के लिए सब्सिडी का ऐलान हो सकता है। वहीं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए पक्के मकान का भी बजट में प्रावधान किया जा सकता है। अवैध कॉलोनियों के विकास के लिए भी फंड का इंतजाम हो सकता है। इसके अलावा DTC बसों के बेड़े में इजाफा हो सकता है। VAT की दरों में भी इजाफा किया जा सकता है। तो आज वित्त मंत्री अरुण जेटली दिल्ली का बजट पेश करने वाले हैं। अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें दिल्ली वालों को तो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं कि उनका बिजली पानी का बिल किसी तरह से थोड़ा कम हो जाए। क्या सब्सिडी का ऐलान हो सकता है इस बजट में? बिल्कुल तान्या, देखिए लोगों की उम्मीद बहुत है, क्योंकि लगातार मार्च से अगर बात करें तो बिजली से सब्सिडी उनका हट चुका था और बिजली के लगातार महंगे दामों से वो परेशान थे। वहीं अगर पानी की बात करें तो पानी कम आते थे, मीटर के बिल ज्यादा आते थे, जिससे काफी लोग परेशान थे। तो खासकर लोगों को उम्मीद है, और ये बताया जा रहा, सूत्र ये बता रहे हैं कि तकरीबन 800 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर बिजली को मिल सकता है, यानी बिजली कंपनियों को दिया जा सकता है, जिसमें दिल्ली वासियों को राहत की सांस मिल सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बजट में ऐलान किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो गरीबों को मकान देने की वादे कर रही थी कांग्रेस, उसको लेकर आगे क्रमबद्ध तरीके से किस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली बढ़ाते हैं, इसकी तरफ सबकी निगाहें हैं कि कम से कम उन गरीब और तबके वर्ग को मकान मिल सके, एक पक्के मकान, जिनकी उम्मीद और तमाम वो गरीब करते आए हैं और जिन पे नेता राजनीति करते आए हैं। वहीं तीसरी सबसे अहम बात कि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करना, यानी 1130 बसों को चलाने की जो बातें पेपरों में चल रही हैं, उसको कम से कम सही ढंग से लागू किया जा सके, जैसे दिल्ली की सड़कों पर वो बसें तेजी से दौड़ सके और लोगों को राहत की सांस मिल सके, कम से कम वो सही मुकाम तक पहुंच सके। तो ये काफी अहम मुद्दे होंगे और फाइनेंस मिनिस्टर से लोगों को काफी उम्मीद है, खासकर टैक्सेशन को लेकर है, क्योंकि VAT को लेकर क्या कुछ राहत मिलती है या कुछ अधिक अधिभार होता है, ये तमाम निगाहें दिल्ली वासियों की बनी हुई है। और काफी कुछ उम्मीदें अरुण जेटली से है, क्योंकि उनको उम्मीद जगाई भी है, मोदी सरकार ने काफी कुछ वादा किया है, लेकिन देखना होगा कि दिल्ली के इस तमाम जो बजट पेश होता है उन पिटारों से अरुण जेटली के क्या कुछ खुशखबरी दिल्ली वासियों के लिए निकलता है। लेकिन ये बात तो तय है तान्या कि सब्सिडी का ऐलान होगा, लेकिन कितना ऐलान अरुण जेटली अपने पिटारे से निकालते हैं, सबकी निगाह वहां बनी होगी, क्योंकि बिजली की समस्याओं से, बिजली के बढ़े हुए बिल्स को लेकर काफी समय से हंगामे हो रहे हैं। बिल्कुल, काफी समय से भी हंगामा हो रहा है और कल ही बिजली के दाम भी DERC ने बढ़ा दिए थे, तो इसके बाद लोगों को उम्मीद है कि बजट में कोई सब्सिडी उन्हें कम से कम मिल जाए तो थोड़ी सी राहत की सांस दिल्ली वासी ले सकेंगे। लेकिन बहुत सारे और मुद्दे हैं इस बजट को लेकर, उस पर भी अजीत से बात करेंगे। उससे पहले आपको सुना देते हैं, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इस बजट से पहले क्या कहा। पहले ही अपने बजट में दिल्ली को 700 करोड़ देने की, जो अपने आप ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के जो आधारभूत ढांचा है, पानी की जो बुनियादी समस्या है दिल्ली में जिसको ठीक करने की आवश्यकता है, बिजली की जो गंभीर समस्या है उसके प्रति वो बहुत गंभीर है। दिल्ली का बजट जो आज पेश होगा, चूंकि चुनावी सरकार नहीं है, उसमें भी हमने उनको, चूंकि ऑलरेडी वो इतना ध्यान रखते हैं, उनको हमने कहा है कि जो बिजली के रेट बढ़े हैं बहुत मार्जिनल बढ़े हैं, इसमें जो बिजली परचेज में जो कटौती की गई है तो दिल्ली की जनता को 10 पैसे 15 पैसे और एक छोटा, हम वो भी नहीं चाहते, हमने जो लगातार एक वायदा किया है 30% बिजली कम करने का, उस वायदे पर हम कटिबद्ध हैं। हमने अपने वित्त मंत्री जी से आग्रह किया है, उनसे हमने ये मांग की है कि वो दिल्ली की जनता को, और जब तक कि आपका दूरगामी जो आपने नतीजे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के बिजली के तब तक नहीं हो जाते हैं, तब तक दिल्ली की जनता को एक राहत की आवश्यकता है।